लाख का लैपटॉप, मतलब फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इट्स ह्यूज। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू रैंडम व्लॉग। सो आज है मंगलवार और आज मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, रूटीन चेकअप काइंड ऑफ। सो अभी मुझे वहाँ जाना है, तो मुझे लगा चलो आज का दिन का व्लॉग करते हैं, ठीक है, और आपके साथ शेयर करते हैं। और अभी ना 12 बज चुके हैं और अभी मैंने नाश्ता नहीं करा है क्योंकि मैं रेडी वेडी हो रही थी। सो नाउ आई एम ऑल रेडी और अभी हम खाएंगे कड़ी रोटी। एक्चुअली वो कड़ी चावल की वो एक साथ अच्छे लगते हैं। सो नो, आज मैं खाऊंगी कड़ी और रोटी बिकॉज आज एकादशी है। सो मॉम डैड तुम नहीं खाएंगे ये सब। सो मैं और दीदी हम लोग ये सब खाएंगे। सो अभी फटाफट से हम खाते हैं कड़ी और रोटी, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बाहर, ठीक है। सो देयर इज माय रोटी एंड देयर इज कड़ी, इट्स लुकिंग सो नाइस, इट्स टेस्टी। तो अभी इसको फटाफट फिनिश करते हैं फिर हम चलते हैं बाहर। हाँ, एक फूड बस इंडिया है, इट्स लाइक अ क्वाइट कैफे, छोटा सा, इसके अंदर बैठने का स्पेस है और ये राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के वहीं था। सो आई थॉट के लिए शेयर विद यू। मैं आ चुकी हूँ सीपी में बिकॉज आई वॉन्ट टू सी अ न्यू मैकबुक फॉर माई सेल्फ। सो लेट्स गो, सो एक्साइटेड, राइट। और ये वाला वेरियंट है, इसमें वो है ना पोर्ट्स एंड ऑल। आई जस्ट केम बैक होम एंड अभी तक मैंने ड्रेस चेंज नहीं करा है, बट आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा। तो उसके बाद जैसे आपने देखा कि मैं मैक के स्टोर गई थी, लैपटॉप देख रही थी। तो एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू बाय मैकबुक बिकॉज मेरा लैपटॉप काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स। सो आई वॉन्ट टू अपग्रेड माई सेल्फ और मैकबुक से अच्छा क्या हो सकता है, मतलब और भी अच्छे थे बट मैंने बहुत रिसर्च करा, सबसे बातचीत की, तो इफ़ दे लाइक कि इट्स अ इन्वेस्टमेंट, तो मैंने बोला या ऑब्वियसली इट्स इन्वेस्टमेंट बिकॉज 1-1.5 लाख का लैपटॉप, मतलब फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली इट्स ह्यूज। सो बहुत देख के लेना पड़ता है, तो मैं आज देख के आई क्या क्या ऑफ़र है, नहीं है, कितने का ऑफ के बाद मुझे पड़ेगा, तो मैंने सब देखा डिटेल और आई होप कि आई एम गोना बाय सून। बाकी लेट्स सी, बाकी अभी फटाफट से ड्रेस चेंज कर लेते हैं क्योंकि बाहर से आई हूँ। सो आई वॉन्ट टू क्लीन माई सेल्फ, मैंने पूरा अपने को सैनिटाइज अच्छे से करा है बिकॉज फिर से कोविड का न्यूज़ में सब आ रहा है, चल रहा है। सो फटाफट से फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद मैं लेके आई पनीर क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट पनीर सिजलर एंड कॉफ़ी। सो जब मैं अभी ना मैंने अपने फेवरेट पनीर ले लिया है बिकॉज ये एक ऐसा स्नैक्स है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपको भी पसंद होगा। सो यहाँ पे मैंने इसमें डाल लिया है ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो और इसके साथ सोया सॉस, नमक और इन सबको डाल के थोड़ा मक्खन के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और ये बहुत टेस्टी लगता है, लाइक यम है। जो बढ़ते तो उसके लिए सबसे ऊपर जैसे बाई चांस हम नहीं ये लगा दो सबसे ऊपर, ये जब सारे कपड़ा पूरा भरा होगा जार तो यहाँ रुक जाएगा ये। अच्छा, बस मतलब इससे कपड़े ऊपर नहीं जाएंगे। अच्छा, भूलेंगे नहीं और सूख के भाई सूखेंगे हाँ तो वो चीज और बढ़ेगा, छोटे कपड़ों को उठने नहीं देगा। अच्छा, तो उसमें टाइमर नहीं लगाना ना, आपने तो टाइमर ऑफ करके काम किया है, टाइमर कुछ किया ही नहीं, सीटर ऑफ करना। तो जब हमने कंपनी में फोन किया था ना, चलाना नहीं, हाँ नहीं जब, हाँ इसीलिए 5 मिनट लगा देना, तो मैंने बोला तो उसके बाद भी नहीं हो रहा था। ये मतलब जो ड्रायर का है ये मतलब ये 5 मिनट है, वैसे 2 मिनट में ही हो जाता है, वैसे जनरल ड्रायर 2 मिनट 3 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में ही मोटे भी हो कोई से भी हो 2 मिनट में जनरल बनाओ सूख जाए। ऐसे बेवकूफ बन गई, मतलब बनाना तो थी हाँ, पता नहीं तुम भी तो थी, तुमने भी तो क्या करा। हाँ अभी वॉशिंग मशीन वाला आया था ना, तो उसमें पानी नहीं आ रहा था गर्म, तो वो जैसे आया कुछ भी नहीं करा हमने, तो कुछ भी नहीं करा। हाँ और इवन हमने 5 मिनट भी देखा था कि आए आए,
बट आया नहीं, बट अभी उसने लगाया और फिर हो गया। लगाया पहले हीटर ऑन करा फिर पानी डाल के होने लगा। और आपने उतना टाइम भी नहीं लगा, मतलब सेकंड गर्म पानी, सीधा गर्म पानी। हम सोच रहे थे बेकार में ले लिया, पर ये तो इजी वे है, बट नहीं आता था तो अब नहीं हुआ था तो इसलिए हमें लग रहा था कि क्यों ले गया। और अभी बारिश आ रही है, पता नहीं क्यों, ये दिल्ली का मौसम, बट अच्छी बात है पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। चलो बारिश आ गई, ठंड हो जाएगी। ओह फाइनली, चलो ये होता है ना कि बीमारी डॉक्टर को देख के ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ उसने कुछ भी नहीं किया, बस वो आया, उसने लगाया और उतने में हीटर पानी आ गया। डेमो भी तो मिल गया, डेमो देना आने रहती है ना। हाँ क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में नहीं था, यूज में पता चल गया जो उसके अंदर और क्या था, टॉप एंड बॉटम। हाँ वो भी पता चल गया। हाँ तो चलो अच्छी बात है, मशीन मतलब ओके है। अब जिस दिन धूप आएगी उस दिन मैं अपने कपड़े सुखाऊंगी, अपने कपड़े वॉश करूंगी, ठीक है। हाँ है ना, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये फ्लाइट वाला, ये भी अच्छा है, बट ये ना पानी वानी सॉफ्ट वॉफ्ट में ठीक है।